गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक 11th क्लास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण से रिलेटेड है। वो है समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। समतल वृत्ति पथ या समतल वृत्तीय सड़क, जो भी कहिए, समतल वृत्ति मार्ग पर कार की गति कैसे लाएंगे, ठीक है ना। समतल वृत्ति पथ पर कार की गति टॉपिक है। समतल वृत्ति मार्ग पर समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति, समतल वृत्ति सड़क पर है ना, पथ सड़क जो भी लिख लो, कार की गति, यानी सुनना, मार्ग कैसा है वृत्ताकार और है कैसा समतल, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक रोड बनाते हैं ऐसे, अब यहाँ पर इस बोर्ड में बनाएंगे तो ये नहीं कर कहे दो रोड ऊपर जा रही है क्या, इस प्रकार आए है ऐसे, है ना। ये लीजिए, ये रोड है, ये रोड है ना, इसका मोड़ इधर है। अब ये नहीं कि ऊपर है बोर्ड को, यदि हम ऐसे नीचे ऐसे रख देंगे तो रोड ऐसे ऐसे दिखेगी बोर्ड में ना, है ना। तो ये वृत्ति समतल सड़क है, इसका केंद्र, मोड़ का केंद्र यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। ये इसको हम मान ले रहे हैं मोड़ का केंद्र, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये कार की स्थिति है, किसकी है, कार की स्थिति, ठीक। इस कार का भार जो है वो mg नीचे की ओर होगा और अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर होगा। पहिया और इसके बीच में जो घर्षण बल कार्य करेगा वो Fs, पहिया और रोड के बीच में घर्षण बल ये होगा, है ना। और इस साइड में एक बल कार्य करेगा अभिकेंद्र बल mv² / r। बात को समझिए, यहाँ पर हम ना सही सही ना तो हम कार और बना सकते, कुछ दिखा नहीं सकते, कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कार है, ठीक है। जब वो कार यहाँ पर है तो उस कार में ये कार की पोजीशन आए है, इसको हम कार मानते हैं ना, कह देना कौन सी जमाने की कार बनाए हैं, है ना। हम कार का डिजाइन नहीं बना सकते, मान लो ये कार है बस, ठीक है ना। तो ये जो कार है उसके द्रव्यमान को हम यम मान लेते हैं और जिस मोड़ पर वो है उस मोड़ की त्रिज्या को आर माने लेते हैं और ये मोड़ का केंद्र है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कार का जो द्रव्यमान है वो यम है और वो कार जो है वो केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ति मोड़ पर, वो केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ति मोड़ पर भी वेग से चल रही है। तो उस समय जब वहाँ पर रहेगी तो उस समय उसमें कितने बल कार्य करेंगे, चार। मोड़ पर जब वो कार रहेगी तो उस कार पर चार बल कार्य करेंगे। पहला बल होगा उस कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। वैसे तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये कार को अलग से इस प्रकार बनाओगे, है ना, यानी ये कार ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर mg तो नीचे होगा ही, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ये एक r2 होगा, एक ये r1 होगा, तो टोटल यानी r = r1 + r2, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी नहीं, हमने यहाँ डायरेक्ट ये लिख दिया कि ये कार का भार mg नहीं, यहाँ ये एक टायर के लिए R1, एक टायर के लिए R2, दूसरे के लिए तीसरे के लिए R3, इस प्रकार करना पड़ेगा। तो हम टोटल लिख दिए हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया ये R है, हर पहिया के लिए अलग अलग ना दिखाओ, है ना। टोटल अभिलंब प्रतिक्रिया R है और ये mg है, ये घर्षण बल या Fs है और ये अभिकेंद्र बल है। तो कार पर कितने बल कार्य करेंगे, चार। कौन कौन, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर,
घर्षण बल या फिर एस टायर और रोड के बीच में अब केंद्र बल या वी स्क्वायर अपान आर वृत्ति मार के केंद्र की ओर, ठीक है ना। अब ये जानते हो कि आर बराबर क्या होगा, एम जी होगा, और या फिर एस बराबर होता है म्यू एस आर। अभी दिखाते हैं, सब देखना। देखिए, मान लिया एम द्रव्यमान की कार ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ति मोड़ पर भी वेग से चल रही है। मान लिया यह द्रव्यमान की कार ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के वृत्ति मोड़ पर भी वेग से चल रही है, तो उस कार पर निम्न लिखित चार बल कार्य करते हैं। नंबर एक, कार का भार W बराबर एम जी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया R, ये है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और तीसरा है टायर और रोड के बीच घर्षण बल एफ एस, और चौथा है अभिकेंद्र बल एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर है। ऐसा कार का भार W बराबर एम जी, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, टायर और रोड के बीच घर्षण बल या फेस, अब केंद्र बल एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर। अब आर बराबर एम जी तथा एफ एस बराबर म्यू एस आर, तो ये एफ एस बराबर म्यू एस एम जी, समीकरण नंबर एक। आर बराबर एम जी होगा तथा एफ एस बराबर म्यू एस आर होता है, म्यू बराबर एफ बटे आर होता है, तो एफ बराबर म्यू आर। ये तो एफ एस बराबर म्यू एस आर, और आर का मान ये रख दिए। अब ये आपको बता दें, यदि कार मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए, मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए क्या करना होगा, यदि मोड़ को सुरक्षित पार करना है, तो जो अभिकेंद्र बल का घर्षण बल का मान है, घर्षण बल का जो मान है वो अभिकेंद्र बल के मान से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ देखिए, चाहिए कह दीजिए कि घर्षण बल का मान, अभिकेंद्र बल का मान घर्षण बल के मान से कम या उसके बराबर होना चाहिए, चाहे घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, जो भी लिख दीजिए। मोड़ को
मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल के मान से अधिक या बराबर होना चाहिए। अर्थात ये हम कह रहे हैं FCFS बड़ा या बराबर FC के, या इसी को लिख दो FC छोटा या बराबर FS की, एक ही बात ना हुई। अब यहाँ पर FC क्या है, MV² / R, और ये क्या है μS, क्या था μS mg, ये FS का मान μS mg था। अब ये m से एक ठो m कैंसिल, तभी V² / R इज लेस देन आर इक्वल μS g। तो V² इज लेस देन आर इक्वल टू μS r g, तो भी इक्वल टू g r g, जो भी लिख दो ये, यानी उसको सुरक्षित पार करने के लिए, मोड़ को सुरक्षित यदि पार करना है तो कार की जो स्पीड है इसके बराबर या इसके इससे छोटी होनी चाहिए। तो यदि हम मैक्स की बात करें तो भी मैक्स बराबर कितना हो जाएगा μS r g, g r r g, आगे पीछे जैसा भी लिख दो, ये ना कहो कभी आप ये लिख देते हैं कभी वो लिख देते हैं, ये मैक्सिमम है। कहेंगे ये बराबर छोटा चिन्ह कहाँ चला गया, देखो जैसे मान लो भी का मान लेस देन आर इक्वल टू 5 है, ऐसा इसका मतलब हुआ कि भी का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी। भी का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा, क्या कहा, इसका अर्थ यही ना हुआ कि भी का मान 5 से छोटा या 5 के, तब भी का मान एक भी हो सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, तो अधिकतम कौन होगा, अधिकतम वाला कौन कहलाएगा। तो जब भी मैक्स लिखेंगे तो यही भरना आएगा, तो वही यह है कि जो भी का मान है इसके बराबर है उससे छोटा होना चाहिए, तो मैक्सिमम कौन हो गया ये, तो ये हो गया। इससे ज़्यादा स्पीड से यदि कोई चलेगा, यदि इससे ज़्यादा स्पीड से कोई चलेगा तो वो फिसल जाएगा फिर वहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए ये यानी जहाँ पर मोड़ रहेगा ना तो वहाँ पर लिमिट रहती है कि इतने से ज़्यादा इसको आप नहीं पार कर सकते इस फार्मूला के आधार पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको घर्षण गुणांक पता हो, रेडियस पता हो, गुरुत्वीय त्वरण पता हो, तो ये अब वहाँ पर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि इस मोड़ को पार करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, और यदि उससे ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो फिसल जाएंगे। तो यही वृत्ति समता सड़क पर कार की गति के लिए सूत्र हो गया। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि ये जो मान आ रहा है वो मार्ग की वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। यही μS का मान, बरसात और साथ में μS का मान कम हो जाता है, तो μS का मान जब कम हो जाता है तो ये वाला भी मान कम हो जाएगा, समझिए। ये आपको बता दें बरसात के दिनों में, बरसात में यहाँ μS क्या होता है, कम, जब μS कम हो जाएगा तो Vmax का मान भी कम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अन्य टाइम में, यदि अन्य टाइम में कोई किसी मोड़ को 10 के स्पीड से पार कर सकता है, तो बरसात में उस मोड़ को 10 से स्पीड से कम में चलना पड़ेगा, है ना। यानी ये फार्मूला कहता है कि यदि बरसात के सीजन में μS का मान कम होगा तो Vmax का मान कम हो जाएगा,
मान लो एग्जाम्पल कि गर्मी के सीजन में भी मैक्स का मान 10 है, तो बरसात में इसका मान 10 से कुछ कम हो जाएगा, तो मान लो 9। यदि कोई आदमी ये सोचे कि अभी हम जून के महीने में इस मोड़ को इतनी स्पीड से पार किए हैं और बरसात के समय में ही उतने स्पीड से पार करें, तो ये नहीं है कि वो पार हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय म्यूएस का मान कम हो जाने से भी मैक्स का मान भी कम हो जाता है, तो उतनी स्पीड नहीं से वो मोड़ को क्रॉस करना कठिन रहेगा। ठीक है, फिर भी यदि ये चाहते हो कि हम उसी स्पीड से उस मोड़ को पार करें, तो थोड़ा ज़्यादा घेरा बना के चलेंगे तो हो भी सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब तो इस प्रकार का एक इसमें वृत्ति समतल सड़क पर हो गया, और एक बंकित सड़क पर कार की गति का भी एक है क्वेश्चन, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।